सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम मनु है और आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग करता है क्या? मल्टीप्लेक्सिंग जो है ना, सिंपल है। बहुत सारे मैसेज सिग्नल्स होते हैं, वो उन मैसेज बहुत सारे मैसेज सिग्नल्स अभी समझो यूजर्स थे, उन सारे यूजर्स ने एक साथ में मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो एक साथ में जो ट्रांसमिट किए गए सिग्नल है उसको वो कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल में ट्रांसमिट आगे भेजता है। तो मक्स करता है, सारे सिग्नल को कंबाइन करता है, कंपोजिट सिग्नल में आगे भेजता है। तो इसमें मक्स का ध्यान क्या देना पड़ता है कि जो सिग्नल है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर किया तो क्रॉस टॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मक्स जो है ना, इस कंबाइन सिग्नल को आगे भेजता है और रिसीवर एंड पे उसको ये ध्यान देना था कि वो इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर ना अगर नहीं करेगा तो वो इजीली सेपरेट हो सकता है और उसको इजीली सेपरेट किया जा सके। तो मल्टीप्लेक्सिंग के ना टोटली दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा है मेरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, इसमें तो सिंपल एक ग्राफ है हमारा, फ्रीक्वेंसी और टाइम का ग्राफ है। इसमें हम लोग ने F1, F2, F3, F4, F5 सब हमारे यूजर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे यूजर्स जो होते हैं ना, वो सारे यूजर्स को मतलब ये सारे यूजर्स सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक ही टाइम पे। बट इनमें अलग क्या होता है, इनमें हर एक यूज़र को ना, हर एक यूजर जैसे F1, F2, F3, F4, F5, इनमें से F1 को एक अलग फ्रीक्वेंसी डोमेन डोमेन दिया जाता ताकि वो अलग डोमेन पे ट्रांसमिट हो। और F2 को भी सेम जैसे हम लोग ने F1 में दिया वैसे F2 को भी देंगे। हर एक यूज़र के मैसेज सिग्नल को अलग अलग तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी अलॉट करते ताकि उन फ्रीक्वेंसी अलॉट करने के लिए ताकि वो लोग इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के साथ। तो ये था इसमें। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या, एडवांटेज क्या है इसमें, लास्ट नंबर हम लोग एक साथ में बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर वाले, इसके अंदर हम लोग और फ्रीक्वेंसी में हमें सिंक्रनाइजेशन की जरूरत नहीं ट्रांसमिटर और रिसीवर एंड में। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एक तो क्रॉस टॉक होने के चांसेस होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्रॉस टॉक कैसे होता है, अभी हम लोग ने एक जन को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन किया, हमारे दोस्त को फ़ोन किया, तो हमारा जो नंबर है वो किसी और को लग जाता है, किसी और लड़के या लड़की को लग जाता है या आंटी को लग जाता है और वो हमें गाली देती है। तो सिंपल है कि ये जो है क्रॉस टॉक इसी वजह से होता है, ये हमारा था क्रॉस टॉक। दूसरा क्या, इसका लार्ज बैंडविड्थ, इसमें अभी इसको ट्रांसमिशन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत बड़ा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। तो ये एक है इसका डिसएडवांटेज। अब देखते हैं हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है और इसका FDM से अलग क्या है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सेम ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी और टाइम ग्राफ है। इसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, देखा जाए तो ये T1 to T4 ये एक स्लॉट हो गया मेरा, और फिर से T1 to T4 दूसरा स्लॉट हो गया, और ये T1 to T4 तीसरा स्लॉट। मतलब इसमें क्या कर रहा है फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, मतलब हमारे हर एक यूज़र को ना, हर एक यूज़र को यूज़ करने देता है वो पूरा चैनल, पूरा बैंडविड्थ चैनल का हर एक, लेकिन फिक्स टाइम के लिए। मतलब इसमें हर एक यूज़र को एक डिफरेंट स्लॉट दिया जाता है और उस स्लॉट में वो हर एक यूज़र जो ना पूरे चैनल की बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब उस, लेकिन गिवन टाइम है, गिवन टाइम के अंदर ही एक टाइम, मतलब फिक्स टाइम देते हैं लोग यूजर्स को ताकि वो पूरे चैनल का बैंडविड्थ इस्तेमाल करें और अपने सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर सके। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये होता है कि हम लोग को क्रॉस टॉक नहीं होता है। क्रॉस टॉक मतलब क्या, अब हम लोग जिसको फ़ोन लगाएंगे वो उसी को लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। और इसमें क्या, इसमें ना हर एक चैनल का यूटिलाइजेशन होता है। इसका डिसएडवांटेज का एक ही डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सिंक्रनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, सिंक्रनाइजेशन करना पड़ता है हमको रिसीवर एंड में और ट्रांसमीटर एंड में। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, जिसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है और उसके दो टाइप्स जो क्या होते हैं, मेरे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और भी वीडियोस पिकअप इसके ऊपर आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगा। और आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो सर्च कीजिए www.lastmomenttuition.com।